हाय दोस्तों, मैं नूर मोहम्मद, नेक्स्ट लाइन में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि रिफ़िल कैसे किया जाता है। ये आप देखिए, ये लास्ट वाला ब्लैक जो है, ब्लैक देख सकते हैं आप, ब्लैक ये देखिए, ये रिफ़िल बॉक्स है। ये आप देख सकते हैं, नीचे आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ तक कलर है, ये सी में और एम में यहाँ तक है और वाई में यहाँ तक है, और ब्लैक जो है पूरा ख़त्म है। ठीक है, तो इसमें एरर आता है। ये आप देखिए, यहाँ ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये आ रहा है ना, ये इंक का इंडिकेट है। जब इंक ख़त्म रहता है तो इस तरह यहाँ पे लाइट आएगा। इसका मतलब ये हमें संकेत कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि आपका इंक लो हो गया है। तो अभी हम रिफ़िल करेंगे दोस्तों, आइए हम देखते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा L210 है, ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह रिफ़िल किया जाता है दोस्तों, आइए चलते हैं। ये इसका इंक है ब्लैक वाला, ठीक है, पहले इसको, ये लॉक है, इसको पहले लॉक कर देंगे ताकि हम ये जो पलटे उल्टा सीधा करने पे इसमें इंक गिरे नहीं। ठीक है, यहाँ से लॉक करने पे ये बंद हो जाएगा, ये पाइप पाइप से इंक जाना रुक जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे ऊंचा कर लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। पहले इसको ओपन कर लेंगे, ये देखिए दोस्तों, इसको ओपन कर लेंगे, ये देखिए एप्सन का है, ये आपको ब्लैक है। ओके दोस्तों, पहले इसको ओपन करके इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे, ये देखिए दोस्तों। ओके, ये होल हो गया, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, इसका लॉक किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया, इसको भी रिमूव कर दिया, देखा आपने। आप जो है इसको धीरे से स्लोली से डाल के इसको पंप करेंगे, ठीक है दोस्तों, देखा आपने। अब ये ढक्कन लगा देंगे दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो हमने लॉक किया था इसको ओपन कर देंगे। देखा दोस्तों आपने, ये देखिए पूरा फिल हो गया, इसके अंदर पूरा फिल कर दिया मैंने, पूरा फुल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये एरर अभी तक आ रहा है, लेकिन इस एरर को ये अभी हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे, बाद में ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सुझाव कैसा लगा? अगर ये सही लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट लाइन को सी समथिंग नेक्स्ट, सी समथिंग न्यू।